हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम दोस्तों एक अब आ चुके हैं बरसाने, अब मंदिर जा रहे हैं और यहाँ पे उधर सीढ़ियों से नहीं जा रहे हैं, इधर गाड़ी हमारी पार्क हुई है नीचे और हम जा रहे हैं चढ़ते हुए, और सब पीछे आ रहे हैं। चलते हैं आगे। ये देखो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, देखिएगा। चल रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं। मंदिर की तरफ जा रहे हैं। क्या मेहंदी? ये स्टेज इधर देख, स्टेज इधर देख, इधर इधर देख, इधर ये कार्तिक और ये एक पागल चल रही साथ में। देखो ये देखो, ये देखो शर्मा रही है, देख लो। चलो कार्तिक भैया हमारे थक गए थे तो इनको गोद लेना पड़ गया। बढ़ के आओ, बढ़ के आओ, जल्दी जल्दी आओ, तेज तेज चलो, थोड़ा तेज तेज आओ, आगे बढ़ के आओ। इधर का नज़ारा नीचे का, ये देखो, ये मंदिर, ये मंदिर का नज़ारा है। ये इसमें देखो करते वीडियो में, देखिएगा सब पीछे आ रहे हैं, सब लोग आ जा रहे हैं। इस बार में जब हम लोग वापसी से जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, सीढ़ियां काउंट करते हुए। इधर का बनाते हैं, इधर का ये नीचे सब घर बने हुए हैं। ये देखो, ये कार्तिक घंटियां देखो इस तरह, ये देखो एक पागल चल रही है आगे आगे, देखो पुलिस आ रही है। तो रियल में जब पागल हो तभी तो फोन में बताएंगे पागल। ये सब प्रसाद बिक रहा है। वो देखो मंदिर आ गया, आ गया मंदिर की लाइटें जल रही है, अभी रात में बहुत अच्छी लगेंगी लाइटें। चलिए हम लोग प्रसाद लेके आते हैं, अभी चलते हैं, पहले प्रसाद ले लेते हैं चढ़ाने के लिए। चलो चलो यार, सीढ़ियाँ सब गीली हैं, पता नहीं क्या है। चलो 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 कार्तिक भाई, चलो 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 भैया। Thank you.
इतना जबरदस्त सीन है ना। राधे राधे, ये आ गया मंदिर भैया, राधा रानी। ये देखो दोस्तों। हम दर्शन कर चुके हैं मंदिर में और हम बहुत सही टाइम पे आए थे, आरती भी मिल गई थी हम लोगों को और मंदिर से निकले हैं। अब हम जाने वाले हैं वापस। अब कहीं रूम लेंगे जाके, रुकेंगे वहाँ, फिर कल जाएंगे अगली जगह, दूसरी जगह। अब दो तीन दिन यहीं पे रुकना है, तब तक मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम दोस्तों अब आ चुके हैं बरसाने, अब मंदिर जा रहे हैं और यहाँ पे उधर सीढ़ियों से नहीं जा रहे हैं, इधर गाड़ी हमारी पार्क हुई है नीचे और हम जा रहे हैं चढ़ते हुए, और सब पीछे आ रहे हैं। चलते हैं आगे। ये देखो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, देखिएगा। चल रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं मंदिर की तरफ जा रहे क्या मेहंदी? ये स्टेज इधर देख, स्टेज इधर देख, इधर इधर देख, इधर ये कार्तिक और ये एक पागल चल रही साथ में। देखो ये देखो, ये देखो शर्मा रही है, देख लो। चलो कार्तिक भैया हमारे थक गए थे तो इनको गोद लेना पड़ गया। बढ़ के आओ, बढ़ के आओ, जल्दी जल्दी आओ, तेज तेज चलो, थोड़ा तेज तेज आओ, आगे बढ़ के आओ। इधर का नज़ारा नीचे का, ये देखो ये मंदिर, ये मंदिर का नज़ारा है। आसान
ये इसमें देखो कार्तिक वीडियो में देखिएगा, सब पीछे आ रहे हैं, सब लोग आ जा रहे हैं। इस बार में जब हम लोग वापसी से जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, सीढ़ियाँ काउंट करते हुए। इधर का बनाते हैं, इधर का ये नीचे सब घर बने हुए हैं। ये देखो ये कार्तिक घंटियाँ देखो इसके है। ये देखो ये एक पागल चल रही है आगे आगे, देखो पुलिस आ रही है। तो रियल में जब पागल हो तभी तो फोन में बताएंगे पागल। ये सब प्रसाद बिक रहा है। वो देखो मंदिर आ गया, आ गया मंदिर की लाइटें जल रही, अभी रात में बहुत अच्छी लगेंगी लाइटें। चलिए हम लोग प्रसाद लेके आते हैं, अभी चलते हैं, पहले प्रसाद ले लेते हैं चढ़ाने के लिए। चलो चलो यार, सीढ़ियाँ सब गीली हैं, पता नहीं क्या है। चलो 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 कार्तिक भाई, चलो 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 भैया। इतना जबरदस्त सीन है ना, राधे राधे। ये आ गया मंदिर भैया, राधा रानी मंदिर। ये देखो दोस्तों, हम दर्शन कर चुके हैं मंदिर में और हम बहुत सही टाइम पे आए थे, आरती भी मिल गई थी हम लोगों को और मंदिर से निकले हैं। अब हम जाने वाले हैं वापस, अब कहीं रूम लेंगे जाके, रुकेंगे वहाँ, फिर कल जाएंगे अगली जगह, दूसरी जगह। अब दो तीन दिन यहीं पे रुकना है, तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हेलो दोस्तों, इतने टाइम हम आ चुके हैं यमुना जी पर टहलने के लिए। आए थे यमुना जी पे, आए इतने टाइम हम, और अभी आप लोगों को यमुना जी का व्यू दिखाते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग चलेंगे निधिवन घूमने के लिए, और वहीं पे दो तीन मंदिर है, फिर शाम को चलेंगे प्रेम मंदिर। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, और आप लोगों को हम दिखाते हैं यमुना जी का व्यू दिखाते हैं। ये दोस्तों देखिएगा, यमुना जी हैं, ये देखिएगा वो उधर नाव जा रही है अंदर। अब यमुना जी से हम लोग चलते हैं निधिवन के लिए, मिलते हैं आप लोगों को निधिवन मंदिर में, ठीक है दोस्तों। हम लोग निधिवन मंदिर आ चुके हैं, वो देखो देख ली, ये मंदिर का गेट है निधिवन राज महल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय राम, बोल हजार भी बना ये। ये दोस्तों निधि बना, यहाँ बंदर जो है बहुत ज़्यादा है, और वो फोटो नहीं खींचने देते, लेके भाग जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए कवर्ड है, इसीलिए यहाँ पर बना रहे हैं वीडियो। निधिवन के अंदर का सीन है ये, पुरानी कॉपी है, जाएगी अंदर से जाने देगा ना यार, हम तो पुरानी कॉपी है, हम तो जाएगी, हम में जाता है, हम तो कॉपी है, हम तो देखते हैं पुरानी कॉपी है। सब तुलसी के पेड़ तो हैं देखो ना, दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर, आप लोगों को इस्कॉन मंदिर दिखाते हैं। रास्ते करिए रे, सौ के पास चेक ले लेगा। और चिंता वाली, चिंता वाली। ये दोस्तों इस्कॉन मंदिर है। कौन मंदिर का व्यू है ये, Thank you.
त्रिकोण मंदिर के अंदर का दृश्य है। मंदिर के अंदर हम लोग दर्शन कर चुके हैं, मंदिर के अंदर फोटो लेना मना होता है, ये देखो लिखा है यहाँ पे। इसलिए वहाँ पे फोटो नहीं ले सकते हैं। दर्शन कर चुके हैं हम लोग दोस्तों अब लोग जाने वाले हैं यहाँ से, मंदिर से बाहर होने वाले हैं, दर्शन कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे जूते चप्पल लिए जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पर सब लाइन लगी हुई है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है, पूरा मंदिर घूम लिए हम लोग। हरे कृष्णा तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आगरा और वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको ताजमहल। अभी आ चुके हैं, गाड़ी हमारी पार्क हो चुकी है। ये मेरी गाड़ी पार हुई यहाँ पे, ये इतनी सारी गाड़ियाँ पार गए। आप लोगों को गाड़ियों की पार्किंग दिखाते हैं, ताजमहल दिखाने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ आप लोग। गाड़ियों की पार्किंग है इधर, ये सब यहीं पे मैंने भी अपनी गाड़ी पार्क की है इधर, और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। चलिए अभी अंदर चलते हैं ताजमहल देखने के लिए। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये शहजहाँ गार्डन है, गार्डन शहजहाँ गार्डन है यहाँ पे। हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग अभी जा ही रहे हैं। अभी तेज भैया को गोद ले रखा है मैंने, इनसे पैदल चलने को कह रहे हैं तो चल नहीं रहे। पैदल चलोगे हैं? थोड़ी दूर चल के देख लो पैदल। अच्छा भैया को गोद लेके चलना पड़ रहा है, वीडियो भी बना रहे हैं साथ में, इनको गोद भी ले रखा है। इधर है सब जंगल है, शहजहाँ का गार्डन कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, ये सब गार्डन ही है शहजहाँ का। ये बहुत लंबा लग रहा है आगे तक, तो लग रहा है बहुत पैदल चलना पड़ेगा। दोस्तों हम भी यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं और टहलते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं यहाँ से। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो बार बार आना होगा। दोस्तों यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा सब हरे हरे पेड़ भी हैं, ये सब है, और इधर भी सब हरियाली है। इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। ये दोस्तों सब हरियाली हरियाली दिख रही है इधर सब, ये देखिएगा।
अच्छा लग रहा है यहाँ पे बहुत ही। यहाँ पे हमको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतनी ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है। हम लोगों को फास्ट जाना पड़ेगा, बता रहे हैं 5 मिनट में एंट्री बंद होने वाली, इसीलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं। अभी हम लोगों को टिकट भी लेना है। दोस्तों हम लोग एंट्री कर चुके हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम पे आए थे और टिकट ब्लैक में मिला, 100 रुपये का टिकट मिला, 6 लोग थे, 600 रुपये का टिकट दिया है। एंट्री कर चुके हैं इधर से, ये देखिएगा मैं यहाँ से मैंने एंट्री की इस गेट से, और हम लोग जा रहे हैं इधर। ये दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों देखिएगा ताजमहल, जिंदगी में आज हम भी पहली बार रियलिटी में देख रहे हैं, वैसे फोटो में ही देखा था मैंने भी इसको। नहीं लोग कहेंगे तैयार में रहेगी, नहीं नहीं बच्चे की निकल रहा है, वापस आएंगे तैयार। वाह क्या जबरदस्त सीन है ये, बहुत सही। हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, ताजमहल अब हम लोग ताजमहल यहाँ से दिखने लगा है। ये दोस्तों ताजमहल का सीन है, तो अब आया है वीडियो में देखिएगा, ये क्या जबरदस्त सीन है। वो आज तुम क्या जबरदस्त सीन है इसका, उसके करीब बढ़ रहे हैं अभी, पास से देखेंगे उसको। लोग अभी पास से देखेंगे इसको, आज पहली बार ही मैंने भी देखा इसको पास से, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है ये।
रिश्तेदार रिश्तेदार चले जाओ किधर उधर हटाओ हाथ, मतलब जहाँ भी देखो वहाँ, इधर देखो बुआ, इधर देखो, यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है, ताजमहल का व्यू यहाँ से बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये देखिएगा, ये यहाँ से दोस्तों बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, देखिएगा। चलिए पास चल के आप लोगों को दिखाते हैं, पास चलते हैं थोड़ा सा। तो तक इधर पीछे का व्यू लेते हैं एक, ये देखिएगा, कौन सा स्पॉन्ज कहाँ से मंगाया गया था, अच्छा, कैसे बनी हुई है और उनके समय पे कैसे लाए जाते थे, तो वो मैं आपको खुद ही आयर कर एक्सप्लेन करूँ। तो पास चल रहे हैं, देखिएगा चलिए देखते हैं उसके अंदर जाने दिया जाता है ऊपर या नहीं। ऊपर चल के देखते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं इधर से। हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं ऊपर के लिए। यहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग, बढ़ के आओ जल्दी जल्दी सब लोग फटाफट। बस हम लोग एंट्री कर चुके हैं, दोस्तों चलिए यमुना जी का घाट देखते हैं, उधर कहीं यमुना जी भी हैं, चलते हैं देखने। ताजमहल तो घूम लिए हैं, अगली बार आएंगे तो हम लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, नॉर्मल टिकट मिला था, इसीलिए हम लोग यहीं नीचे टहल लें और अगली बार कभी आएंगे तो ऊपर टहलेंगे। चलिए आप लोगों को यमुना जी दिखाते हैं, बिल्कुल सटा बना हुआ है, ये देखिएगा दोस्तों यमुना जी हैं ताजमहल के किनारे पे, ये देखिएगा।
तो हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ताजमहल दिखा दिया है वीडियो में, और अब हम बाहर निकलते हैं, घूम लिए हैं बहुत, और हम भी थोड़ा सा घूम लेते हैं और अभी, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए इतने टाइम प्रेम मंदिर, और अभी देखते हैं बस पहुँचने वाले हैं, 10 कदम की दूरी पर होता है। बस दोस्तों पहुंच रहे हैं प्रेम मंदिर के गेट पे। ये दुकानें लगी हुई हैं, इधर तक सामान लगा हुआ बिक रहा है। अरे तो घुमा के यूँ ला रहा, फिर मेरा गाड़ी खड़ी करूँ मैं तो बता दे घूम। ये दोस्तों प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर जगगुरु कृपाल परिषद श्यामा श्याम। ये दोस्तों अंदर का है मंदिर से, यहाँ पे बहुत भीड़ है। देखो ग्रीन कलर, अरे भीड़ कलर चेंज हो रहे हैं इससे, इसलिए कलर चेंज हो रहा है। राधे राधे, इससे कलर चेंज हो रहा है ना। तो जल्दी देखते हो, बहुत देर घूमिए इधर। आ रहा है।
हम इधर जा रहे हैं। ओए मत जाओ, ये ले लो अपना तुम। भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे तो। ये दोस्तों कितना जबरदस्त सीन है यहाँ का, ये देखिएगा मंदिर यहाँ से। यहाँ की लाइटिंग बहुत जबरदस्त है दोस्तों। हम तो वही यहाँ से इसका सीन बहुत जबरदस्त आता है। ये यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है इसका। यार लोग ऊपर से आ जाते हैं। सभी दर्शनार्थी अपने जूते चप्पल को क्लोज स्टैंड में ये दोस्तों पर्वत उठा रखा है कन्हैया जी ने, देखिएगा यहाँ पे आठ पकड़ रहा है सारे आठ। ये देखिएगा थोड़ा पास से लेते हैं पहले, फिर दूर से देखा। ये देखिएगा ये दोस्तों है, और आगे ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिएगा, कृपालु। वृंदावन मंदिर के अंदर ये दोस्तों देखिए इधर इतना जबरदस्त सीन है यहाँ का। जो भक्तगण अपने साथ छोटे बच्चों को लाए हैं उनको ये देखिएगा प्रेम मंदिर, और ये सब उसी के आसपास का सीन है सब। अपने सामान की सुरक्षा। दोस्तों दिल बना हुआ है घास का और एक फुलवारी है कोई, ये दोस्तों गौ माता है किशन जी की, गऊ देखिए चरा रहे, बिल्कुल एकदम असली लग रही हैं, जो नहीं लग रहा है कि पत्थर की बनी हुई हैं। चलते हैं दोस्तों, बस उधर फब्बारा चल रहा है उसको देखने चलते हैं। देखिए अभी उसको भी देखने चलेंगे बगल से। चलो
बोलना है। नाइस दोस्तों, कितना जबरदस्त सीन है इसमें। इधर का व्यू है मंदिर के। ये मेन गेट से दूसरी साइड का व्यू है। क्या टेक्नोलॉजी देखो वाले। पानी का फव्वारा चल रहा है, उसमें से फिगर वन वन क्या आ रही है। लाइट वही नहीं है, गेम लगे जो एक वीडियो जो वो जो तो आपका थोड़ा थोड़ा नाग लिखा हुआ जाए। हेलो दोस्तों, हम लोग मॉर्निंग में जा रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर चल रहा है, अभी निकले हैं बस रूम से नहा धो के रेडियो देखता हमारा केस भैया हमारे और सब लोग हैं साथ में। दोस्तों धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और हम लोग थोड़ा लेट हो गए, उठे जल्दी से लेकिन फिर भी लेट हो गए चलते में, रेडी होने में थोड़ा टाइम लग गया। और आज हम लोग कई जगह जाने वाले हैं घूमने। हम लोगों ने जो रूम लिया वहाँ से थोड़ी दूर पर बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। अभी आने वाला है थोड़ी दूर पर, वहाँ से 600-700 मीटर की दूरी है। ये सब लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ये देखिएगा होटल है।
ये कार जा रही है। बस आ चुके हम लोग, पहुंचने वाले हैं मंदिर पे। दोस्तों वीडियो में बाहर से मंदिर दिखाएंगे कि मंदिर के अंदर फ़ोन वीडियो बनाना और फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं होता वहाँ पे। शाम को कई जगह गए थे तो वहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं लेने दे रहे थे, फ़ोन जो रखवा दे रहे थे जेल में, तो इसलिए बाहर से ही मंदिर दिखाएंगे वीडियो में। दोस्तों मैंने एक पानी की बोतल ले ली है, पानी वानी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत नमकीन होता है तो बाहर का पानी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता पीने में, इसीलिए यहाँ पे पानी लेना पड़ता है। यहाँ के जो लोग हैं वो लोग पीते हैं इसीलिए, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता यहाँ का पानी। ये बंदा, ये रोड जाने का ये रास्ता मंदिर जा रहा है। ये देखिएगा ये लंबे दूर से भीड़ लगी हुई है। दुकानें लगी हुई हैं, ये देखिए दोनों साइड की दुकान। दुकानें लगी हुई हैं इधर, ये देखिएगा यहाँ पे मूर्तियाँ लगती हैं बहुत अच्छी अच्छी। अभी मॉर्निंग का टाइम है इसीलिए आज ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। आज वैसे भी बता रहे हैं लोग कि यहाँ पे कम भीड़ है कुछ, वैसे ही रोड पे बिल्कुल जगह नहीं होती चलने की। ये दुकान है देखो, अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं देखिएगा। सब खाने पीने का आइटम यहाँ पे मिल रहा है, आगे प्रसाद की दुकानें हैं। हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, मंदिर दिख रहा है, भीड़ यहाँ बहुत ज्यादा है। दोस्तों हम लोगों ने प्रसाद ले लिया, हम लोग मिलते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मंदिर के अंदर। दोस्तों मंदिर के अंदर फ़ोटो अलाउ नहीं होता, यहाँ पे मुंडन हो रहा है इसीलिए यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं हम लोग। मंदिर के अंदर ही हैं, इधर थोड़ा आउट में है, यहाँ पे मुंडन हो रहा है कार्तिक विजय का। मंडन हो रहा है भैया जी, कार्तिक का टकला बनने जा रहा है इसका।
राधे बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग जहां भी होंगे और जैसे भी होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक बाइक जो बैटरी से चलती है, क्योंकि पेट्रोल इस ज़माने में बहुत महंगा हो गया और पेट्रोल ख़रीदना मुश्किल बात है गरीबी में। तो इलेक्ट्रिक बाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को यहाँ पे, और मैंने परचेज़ किए। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक बाइक कैसी है, कितनी स्पीड से चलती है और कितने की आती है, सारा सिस्टम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। तो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ बाइक और उसकी बैटरी कैसे चार्ज की जाती है, कैसे निकाली जाती है और कितना टाइम लगता है चार्ज करने में। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आप लोगों को। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बाइक दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, ये है बाइक, देखिएगा आप, बाइक देख सकते हैं, आपको मैं भी दिखा रहा हूँ। ये बाइक खड़ी हुई है, ये दोस्तों बाइक खड़ी हुई है, देखिएगा। ये यहाँ में इस पर बैटरी रखी जाती है, बैटरी अभी चार्ज करने के लिए निकाली है मैंने इस यहाँ से, और यहाँ पे इसको हटा के ही बैटरी रखी जाती है। इसमें इसको हटा देते हैं, इसमें बैटरी रखते हैं, और ये देखिएगा इसमें चाबी नहीं है, इसकी जो है लॉक सिस्टम है, बटन से ऑफ़ होती है, बटन से ऑन होती है, और ये मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाती है। इसकी ख़ास बात है ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, इसकी लोकेशन को हम कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिएगा इसमें, ये इसका टायर है, पिछला टायर है, देखिएगा दोस्तों ये। दोस्तों इसमें चैन की जगह पे रबड़ लगी हुई है, चैन इसमें लोहे का चैन नहीं, रबड़ लगी हुई होती है दोस्तों। ये देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, चैन की जगह पे रबड़ लगी हुई होती है, इसमें लोहे का इस्तेमाल कम किया गया, सब प्लास्टिक से ही बनाई गई है, देखिएगा दोस्तों। और ये गाड़ी बहुत ही ऊँची है, कहने का मतलब इसको कम हाइट वाले लोग इसको चलाने में थोड़ा असमर्थ रहेंगे, इसकी ज़्यादा 5 फुट से ज़्यादा हाइट होनी चाहिए तभी आप इसको अच्छे से चला सकते हैं गाड़ी को। देखिएगा दोस्तों अभी इसकी बैटरी मैंने चार्ज होने के लिए निकाली है, और जब इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तब मैं आप लोगों को बैटरी इसको हटा के यहाँ पे बैटरी रखूँगा, और बैटरी चार्ज होने के बाद मैं इसको आप लोगों को चला के दिखाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बैटरी दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं बैटरी चार्जिंग पर लगी हुई है इसकी। अभी दोस्तों ये चलती है 85 की स्पीड से चलती है, और एक बार चार्ज करने पे हम इसको 140 किलोमीटर तक चला सकते हैं, और अभी ये चलती है 120 किलोमीटर, क्योंकि अभी इसकी जो लाइट है, इसकी जो लाइटें लगी हुई हैं ये वाली भी डायरेक्ट है, ये लाइट आप लोग देखते हैं, ये लाइट अभी जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो जलने लगती है, इसको भी हमको कटवाना है, डायरेक्ट है, इसको अनडायरेक्ट कराना है, तब ये 140 किलोमीटर चलेगी। अभी 120 किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज करने पे, और बैटरी को चार्ज होने में लगभग 4 घंटे का टाइम लगता है। और अभी मैं फ़ोन से जब इसको मैं यहाँ पे बैटरी रख जाएगी इसमें, फिर फ़ोन से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि मैंने कब कितने किलोमीटर से गाड़ी को चलाया है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैटरी कैसे चार्ज होती है, इसकी बैटरी के पास ले चलता हूँ आप लोगों को मैं। ये दोस्तों इसकी बैटरी चार्ज हो रही है, और ये है इसकी बैटरी, देखिएगा दोस्तों ये इसकी बैटरी है। ओके, और इस बैटरी की कीमत प्रेजेंट टाइम पे 70,000 रुपये है, और इसकी 6 साल की गारंटी है बैटरी की, और इस गाड़ी का जो मोटर होता है उसकी 5 साल की गारंटी है। ये देखिएगा दोस्तों चार्जिंग पे लगी हुई है,
और चार्ज होने पे आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको इसको ज़मीन में भी जूते पे रखा हुआ है और जब इसको नीचे रखता हूँ तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, आवाज़ करती। देखिएगा इसको ठंडा रखने के लिए होता है चार्जर को, इसलिए आवाज़ करता है। इधर इसको चार्ज होने में 4 घंटे का टाइम लगता है, 4 घंटे में पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। और एक बार चार्ज करने पे इसको हम 120 से 140 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इसको दोस्तों फिर से मैं जूते पे रख देता हूँ क्योंकि वाइब्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों तब तक के लिए चार्ज हो रही है, और दोस्तों ये चार्ज होने के बाद मैं इस बैटरी को बाइक के अंदर रखूँगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को चला के भी दिखाऊँगा बाइक कैसे चलती है। चलिए दोस्तों तब तक के लिए चार्ज हो जाती है, चार्ज होने के बाद मैं इसको रखता हूँ फिर आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। बने रहिएगा आप वीडियो में हमारे साथ। ये दोस्तों दिखाओ इसको, उठाओ इसके गियर हैं 3, ये पहले पे है, इसमें आपकी ये टुपी से ऊपर नहीं बढ़ेगी, सारा सिस्टम है, सारा यहाँ से आपके 40 तक जाएगी। और क्या सिस्टम है बताओ जरा इसमें। देखिए ये हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है, यहाँ से लॉक गाड़ी स्टार्ट है हमारी, यहाँ से गियर पड़ते हैं, पहला है इसे जाएगी बस 20 तक, इसके बाद दूसरा इसे जाएगी 40 तक, यहाँ से 60-80। साउंड जी बहुत ज़्यादा है, चलो सीधे चलो, अभी आके चलो बाद में घूम के आते हैं। पिकअप बहुत ही तगड़ा है, देखिए इतनी देर में 40 कवर कर लिया है, धुआंधार बाइक चलेगी। तो मैं स्पीड रोड नहीं सही है, कम स्पीड में चलाना है। रोड नहीं बढ़िया है वरना आपको और दिखाते हैं। रोड दोस्तों यहाँ पे अच्छी नहीं है, इसीलिए हम गाड़ी को मैक्सिमम स्पीड में नहीं चला सकते दोस्तों। 40-45 तक ही ठीक है। तो बाइक गिर चुकी है, बाइक बहुत ही बेकार लग रही है मेरे को, देखिएगा जरा सा बाइक गिर गई और ये इसका सब टूट गया है मामला, बहुत मज़ा नहीं आ रहा इसको चलाने में। बहुत हुआ है, मैं बहुत दुख हुआ इसको। ये देखिएगा दोस्तों बाइक केवल लोग मुड़ा रहे थे वहाँ पे और ये गिर गई एक साइड को, तो ये इधर का टूट गया ये सिस्टम, ये देखिएगा, और उधर का भी टूट चुका है। ठोकोगे किसी और को भी ठोकोगे। ये गाड़ी दोस्तों इतनी मजबूत नहीं रहती क्योंकि इसमें प्लास्टिक ज़्यादा लगा रहता है, तो गिरने पे टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बड़ा स्पीड एक बार फिर दोस्तों गाड़ी चलाई, गाड़ी तो बहुत अच्छी चलती है लेकिन उसमें बस कमी एक ही है, गाड़ी आज उसका उद्घाटन हो गया, गिर चुकी है, टूट भी चुकी है, आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी है क्या टूटा है। और मैं उतने टाइम पे कैमरा मेरा ऑफ था जब गाड़ी गिरी हुई थी, और गाड़ी कमज़ोर बहुत है क्योंकि उसमें सारा प्लास्टिक और सब फाइबर लगा हुआ है और उतनी मजबूत नहीं रहती क्योंकि उसमें सब लोहा लगा रहता है गाड़ी, इसीलिए वो गाड़ी मजबूत रहती है। गाड़ी बहुत अच्छी है, फिलहाल चलाने में भी ठीक है, स्पीड भी अच्छी है काफ़ी, और इसमें पेट्रोल का
सारा पैसा बचता है। सबसे बड़ी बात यही है, गरीबी में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल लेना मुश्किल की बात है। और गाड़ी की कीमत है 152,000 रुपये। दोस्तों अब अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा जो भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।